इंदौर के बरौली टोल टैक्स नाके पर शनिवार दिन में आरटीओ ने यात्री बस की औचक जांच की। अनियमितता पाए जाने पर कई बसों पर कार्यवाही भी की। इंदौर उज्जैन मुख्य मार्ग के हाईवे नंबर 27 पर चलने वाली यात्री बसों की बारौली टोल नाके पर आरटीओ अधिकारियों ने औचक जांच की, जहां शनिवार को सुबह से हुई जांच कार्रवाई में बड़ी संख्या में यात्री बसों में अनियमितता पाई गई। जहां आरटीओ ने कई यात्री बसों पर दंड लगाया तो कुछ बसें जब्त करने की बात भी आरटीओ अधिकारी द्वारा कही गई। एआरटीओ निशा चौहान ने बताया कि आरटीओ की कार्रवाई तो हर दिन विभिन्न रूट पर चलती है, वहीं इसी कड़ी में शनिवार को इंदौर उज्जैन के बीच चलने वाली यात्री बसों की आरटीओ संबंधित जाँच बारौली टोल टैक्स नाके पर की जा रही है, जहाँ करीब 11 बजे तक आधा दर्जन बसें ओवरलोड यात्रियों से भरी हुई थी। वहीं कई बसों के कागजात पूरे नहीं थे, ऐसे में सभी यात्री बसों पर कार्रवाई की जा रही है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। मैम, किस तरह की कार्रवाई चल रही है आज आरटीओ? दरअसल आज नहीं, लगातार कार्रवाई चल रही है। अलग अलग रूट में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे जो परिवहन आयुक्त हैं, माननीय हैं, उनका निर्देश है कि जो भी वाहन ओवरलोड पाए जाते हैं या अन्य कमियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि टैक्स बकाया हो, परमिट नहीं हो, अवैध संचालित हो, उन पर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आज सुबह हम लोगों ने ये रूट फिक्स किया जो उज्जैन और इंदौर वाली गाड़ियाँ आ रही हैं। तो यहाँ पे अलग अलग जो बस संचालक हैं उनकी गाड़ियाँ ओवरलोड पाई गई हैं। किसी में 13 ओवरलोड, किसी में 18 ओवरलोड, किसी में एक गाड़ी पकड़ी रॉयल ट्रेवल्स की, उसमें 70,000 बकाया भी पाया गया। तो जो गाड़ियाँ बकाए में पाई गई हैं उनको जब्त भी किया है और सबके पंचनामे बना के और परमिट निरस्ती का नोटिस दिया गया है, ताकि इस पर आगामी कार्रवाई की जाए। कौन से अभी तक कितनी गाड़ियों पे कार्रवाई हुई है? अभी तक लगभग 6 गाड़ियों पे हो गई है कार्रवाई। ऐसा कोई बड़ा दंड किसी गाड़ी को? दंड तो है ही, परमिट निरस्ती की कार्रवाई सबसे बड़ा दंड है। स्थाई परमिट है ये, और क्योंकि इनको पहले भी बताया गया है कि ये नहीं करना है, अपने परमिट शर्तों का उल्लंघन नहीं करना है, और ये ओवरलोडिंग कर रहे हैं तो नोटिस दिया गया है। ये लोग अपने जवाब देंगे, जवाब देने के बाद आगामी कार्रवाई आरटीओ के माध्यम से। हाईवे नंबर 27 से ये यहाँ पर बड़ी संख्या में गाड़ियाँ चलती है जो ओवर स्पीड में भी चलती है। हाँ जी, जैसे वाहनों के चालकों पर भी कार्रवाई है क्या? नहीं, बिल्कुल, अगर ओवर स्पीड में गाड़ी पाई जाएंगी, अभी सुबह तक तो अभी जब से हम लोग हैं तब से ओवर स्पीड की कोई गाड़ी नहीं मिली है। यदि ओवर स्पीड पाई जाएगी तो पहली चीज़ तो लाइसेंस सस्पेंड होगा ड्राइवर का या निरस्त भी होगा, और ऐसे परमिट निलंबन की कार्रवाई भी संचालित की जाएगी। जी, आपका श्रीमती निशा चौहान, आरटीओ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।